सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में दुनिया के एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले है जिस शख्सियत ने अपने महानतम पराक्रम से पूरी दुनिया के इतिहासकारों को सूजन में डाल दिया। इस महान शख्स के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनसे प्रेरणा लेके कई सारे देशों ने अपने स्वतंत्रता युद्ध लड़े और उनमें फतेह भी हासिल कर दी। तो सही पहचाना, हम बात करने वाले हैं इतिहास के महानतम राजाओं में से एक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान हस्ती के बारे में एक छोटे से वीडियो में जानकारी लेना वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन ऐसा प्रयास करना और महाराज के गौरवशाली इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ये हम सबका दायित्व होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म आज के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले पर 19 फरवरी 1630 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी महाराज और उनकी माता का नाम जिजाबाई था। राजमाता जिजाऊ ने उन्हें बचपन से ही इतिहास के महान योद्धाओं की कहानियां सुनाकर उनके बाल मन में ही महान शासक और महान योद्धा बनने की आस जगा दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के समय पूरे भारत पर मुगल एवं अन्य मुस्लिम शासकों का राज था। बचपन से ही शिवाजी महाराज उस युग के वातावरण को और घटनाओं को समझने लगे थे। शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य की नींव केवल 16 साल की उम्र में रखी थी जब उन्होंने तोरणा किले को जीत लिया था। तोरणा किले के जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक किले जीतते चले गए और अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक मजबूत करने लगे। शिवाजी महाराज के जीवन का अधिकतम समय तो मुगल, विजापुर के आदिल शाह और गोलकुंडा के कुतुब शाह के साथ संघर्ष करने में ही बीत गया था। इतिहास में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की दुश्मनी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। आदिल शाह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने विजापुर पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय औरंगजेब के कब्जे वाले जुन्नर पर आक्रमण कर दिया और ढेर सारी संपत्ति लूट ले गए। उस वक्त से शुरू हुई इस दुश्मनी पूरी जिंदगी पर चलती रही, लेकिन औरंगजेब कभी भी मराठा सेनाओं को पूरी तरह से परास्त करने में नाकामयाब रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाद में मराठा सेनापतियों ने औरंगजेब को पूरी जिंदगी भर अपने युद्ध कौशल्य और युद्ध नीति से परेशान करते रहे। इतनी छोटी सेना के साथ 1630 से लेकर 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक और उससे भी आगे मुगलों की विशाल सेना को पराजित करने का श्रेय जाता है शिवाजी महाराज ने आगाज की गई गोरिल्ला वार टेक्निक, जिसे छापा मार युद्ध नीति और मराठी में उसे गनीमी कावा के नाम से जाना जाता है। इसी गोरिल्ला वार को आगे देश और दुनिया के कई सारे योद्धाओं ने अपनाकर अपने से बड़े शत्रु को पराजित किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है वो है अमेरिका वियतनाम युद्ध की, जिसमें वियतनाम जैसे छोटे एशियाई देश ने महाशक्तिशाली अमेरिका को 20 साल तक जुझाते रहे और आखिर में अमेरिका को युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा था। वियतनाम के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं, तत्कालीन वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने पत्रकारों को जवाब दिया कि जब अमेरिका के साथ वो लड़ रहे थे तभी उन्होंने भारत के एक महान राजा की चरित्र पढ़ा और उससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में पराजित किया और उस राजा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे जाके राष्ट्राध्यक्ष ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की गोरिल्ला वॉर तकनीक से ही हमने अमेरिका को इस युद्ध में हराया था। आगे जाके राष्ट्राध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर ऐसे महान हस्ती हमारे देश की मिट्टी में पैदा होते तो हम अब तक पूरी दुनिया पे राज करते। आज भी वियतनाम में हमें शिवाजी महाराज के कई सारे पुतले दिखाई देते हैं ताकि आने वाली उनकी पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महापराक्रमी योद्धा के साथ साथ बेहद ही प्रभावशाली प्रशासक और संगठन भी थे।
शिवाजी महाराज की न्याय व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था की आज भी मिसालें दी जाती है, चाहे बात महिलाओं के सम्मान की हो या किसी और धर्म के सम्मान की या फिर उनका किसानों के प्रति प्यार हो। शिवाजी महाराज के सैन्य और प्रशासन की नौकरियों में हर समाज के तबके से लोग आते थे और उनके प्रशासन में जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता था। शिवाजी महाराज ने अपने कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिम लोगों को नियुक्त किया था। शिवाजी महाराज के संगठन कौशल्य ने हर एक इंसान के मन में अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम और उसकी रक्षा करने के लिए जान भी नौछावर करने का जज्बा जगा दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन न्यौछार कर दिया था। ऐसे महान शासक का निधन 1680 में रायगढ़ किले पर हुआ था। 350 से भी ज्यादा किले का हर एक कोना कोना इस महान शासक के महापराक्रम की हर एक नई कहानी या बयां करता है। तो आप जब कभी महाराष्ट्र आएंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले को देखना ना भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।